हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे बहुपद, जो पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका पूरा कंसेप्ट और उनमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप एमटी पुलिस की एग्जाम्स के लिए हिंदी की वीडियोज भी देख सकते हैं, मैथ्स की वीडियोज, रीजनिंग, करंट अफेयर सारी वीडियोज ये देख सकते हैं आप, देख ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखो, इसमें पी एक्स है, एक फंक्शन दिया होता है, मतलब एक जो है एक इक्वेशन दी होगी आपको, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होगी मैं ये आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे समझाऊंगा, वहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की होगी, आप कन्फ्यूज होगे, इसलिए ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं। आपको बस ये नंबर ध्यान रखना है कि ए जीरो, ए वन, ए टू और ये ए एन तक के ये जो है ये रियल नंबर्स होते हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। एक्स की प्रत्येक घात, ये भी ध्यान होना चाहिए, एक्स की जितनी भी पावर होगी वो सारी क्या होगी, अऋणात्मक, मतलब सिर्फ धनात्मक होगी, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगी, धनात्मक। और ये चीजें आप यहाँ पे समझ पाएंगे अच्छे से। देखो, एक व्यंजक दिया हुआ है 4x² + 3x की पावर 3/2। यहाँ पे देखिए पावर 3/2 दी है, जो कि पूरा अंक नहीं है, आधा अंक है, तीन का आधा डेढ़ हो गया ना ये, तो पूरा अंक कहाँ है, तो पूर्णांक नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स की पावर -2 दी हुई है, जो कि ऋणात्मक है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे x की क्यूब प्लस 2x² + x की पावर 1, ये धनात्मक पूर्णांक है, देखो पॉजिटिव इंटीजर है और इस ये बहुपद है। देखो ये जो है इसकी पावर बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, घट रही है, तो ये एक परफेक्ट बहुपद हो गया। इसके साथ ही देखो यहाँ x² + y x² + y x², ये भी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो होगा वो दो चरों वाला बहुपद है, दो चर है इसमें, पहला चर x है, दूसरा चर y है, दो वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो दो चर वाला त्रिघातीय बहुपद है ये, ठीक है। अब इसके अंदर तीन चार तरह के बहुपद होते हैं। एक तो रेखीय बहुपद होता है जिसमें पावर एक होती है, जैसे कि 3x + 5, एक्स की घात कितनी है 1, तो ये एक घातीय हो गया, एक घातीय जिसे हम रेखीय कहते हैं, ठीक है। द्विघातीय जिसके अंदर दो घात होगी, जैसे ये दो घात। त्रिघातीय जिसमें बड़ी सबसे बड़ी पावर 3 होगी, और चतुर्घात मतलब जिसमें 4 पावर होगी। सिंपल कंसेप्ट है ये तो, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो देखो इस बहुपद की घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात 5 है, इसका आंसर आ गया 5। इसी के साथ साथ अगर इसकी बात पूछ रहा है कि इसकी सबसे बड़ी घात बताइए, तो 8। अब ये सीधा देख के ही बताना नहीं है, उसके अंदर वो वेरिएबल भी होना चाहिए कि रूट में ना हो वो, उसकी घात माइनस में ना हो, ठीक है, उसकी घात आधी ना हो, ये तीन चार चीजें ध्यान रखना है आपको, तभी एक परफेक्ट बनेगा। अब तीसरा नंबर पे दिया हुआ है 2, तो इस बहुपद की घात बताइए। तो देखिए दो बहुपद है एक, और दो बहुपद की घात कैसे निकालेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा सा सोचने वाली पॉइंट होगा आपके लिए। तो देखो 2 लिखा मैंने, अब इसकी घात बता पाना, देखो मैं बताऊंगा, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे इसको कि 2 की घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 होगी, लेकिन 2 की घात 1 नहीं होगी, यहाँ पे समझने वाली बात है। बहुपद की घात पूछिए, 2 की घात नहीं पूछिए, और बहुपद में हमेशा हमें x की घात बताना है, और x की घात ही बहुपद की घात कहलाती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे तो x दिया ही हुआ नहीं है, तो आप एक काम करो 2 को लिख सकते हो 2 × 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा, वापस 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखना 2 × मैं इस 1 को लिख सकता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था आपको पिछली वीडियो में कि कोई सा भी नंबर दुनिया का अगर उसकी घात 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो इस 1 की जगह मैं x की घात 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताओ मेरे, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 × x की घात 0 मतलब वापस 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 = 2, फिर से 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको सोल्व न करूँ और सिर्फ यही रहने दूँ 2x की घात 0, तो यहाँ पे अब ये बहुपद बन गया जिसकी घात कितनी है 1x की 0, तो ये एक शून्य घात का बहुपद है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, एक घात मत बोल देना, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए 2 और 0 दोनों ही बहुपद इसके शून्यक है। शून्यक मीन्स कह सकते हैं, देखो शून्यक मतलब मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो एक फैक्टर, मतलब फैक्टर है इस बहुपद के, ये दोनों क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है, ठीक है। जैसे कि x² - 2x, इसके दो फैक्टर है ना ये, इसका मतलब ये है कि ये दोनों, ये जो है वो बराबर होगा 0 के। तो देखो x कॉमन लो आप यहाँ से, तो x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x - 2 = 0, तो ये x भी बराबर होगा 0 के और x - 2 भी बराबर 0 होगा, मतलब x बराबर भी 2 और x - 2 बराबर भी 0। तो यहाँ पे x बराबर 0 एक वैल्यू तो ये आ गई, और यहाँ पे x बराबर ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो एक दो वैल्यू ये आ गई। तो x का एक शून्यक ये हो गया, मतलब इस बहुपद का एक शून्यक,
x बराबर 0 हो गया और x बराबर 1 2 हो गया, तो ये 2 और 0 ऐसे निकले हैं, ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अगर x स्क्वायर माइनस 2x के ये जो दो शून्यक है, शून्यक मतलब इसके दो फैक्टर है, इसके गुणनफल है, गुणनखंड है, तो गुणनखंड है इसका मतलब ये कि ये 0 से भी ये कटेगा और 2 से भी ये कटेगा, ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखना होगी। अब कैसे आप इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो, इस 2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दो तो भी आंसर 0 आ जाएगा, या फिर आप 0 रख दो तो भी 0 आ जाएगा। देखो 2 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे रखोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 दुना 4, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 आ गया। अब आप 0 भी रख के देख सकते हो, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 गुना x मतलब 2 गुना 0, तो 2 गुना 0 मतलब 0, तो देखो फिर से 0 आ गया। इस तरह से सेट कर सकते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x की पावर 4 माइनस ये सब को x माइनस 1 से भाग दीजिए। तो देखो हम बुक में पढ़ते आए हैं ये इतना लंबा मेथड जो कि बुक्स में होता था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने कई प्रकार की किताबों से लिए हुए हैं, जिसमें एनसीईआरटी की 9th और 10th के क्वेश्चंस भी है इसके अंदर। इसके अलावा बहुत सारे अदर राइटर की जो बुक्स हैं उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस देखिए कि इसको एक्स माइनस वन से भाग दीजिए। तो एक तो ये तरीका है जो आपके सामने दिख रहा है, दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें इसको भाग देना है, ये रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है ये माइनस पांच क्या है, तो देखो माइनस पांच क्या है, यहाँ पे शेष फल है ये, ठीक है। देखो माइनस पांच एक तो उसने इस तरीके से निकाला, दूसरा तरीका ये है कि एक्स माइनस वन से भाग देना है ना, तो एक्स माइनस वन को हमेशा जीरो के बराबर रख दो। क्यों? क्योंकि ये इससे कटेगा, इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है। तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ गया वन, ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको इस इक्वेशन में रख दो, सिंपल, बहुत जल्दी रख सकते हो आप। देखो तीन गुना एक्स की घात चार, तो एक बचेगा, माइनस चार गुना एक्स की घात तीन मतलब एक की घात तीन, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस तीन गुना एक, तो तीन एकम तीन और माइनस एक, इनको जोड़ लो। देखो ये तीनों नंबर माइनस के, तो इनको जोड़ लो, एक और तीन चार और चार आठ, मतलब तीन माइनस आठ मतलब माइनस का पांच बचा। देखो शेषफल हमारा ऐसे ही आ गया। कितना लंबा मेथड है ये बुक वाला, आप सीधा इसको ऐसे कर सकते हो, अगर जिनसे जिससे भाग देने को बोले उसको बराबर रख दो जीरो के, ठीक है। चलिए एक और सवाल है आपके सामने, एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स प्लस वन से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो एक ये तरीका है सामने, दूसरा तरीका ये कि एक्स प्लस वन बराबर अगर जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस का वन, वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दो। माइनस वन का क्यूब करोगे तो माइनस वन ही बचेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर पावर आप विषम संख्या करते हो तो वही नंबर बचता है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, और प्लस वन, तो माइनस वन का क्यूब करोगे तो माइनस वन ही बचेगा, प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट गया तो जीरो बचा, तो इसका जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, जीरो। तो देखो यहाँ पे भी जीरो आया, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए यदि एक्स माइनस वन इसका एक गुणनखंड है तो के का मान बताइए, एक्स माइनस वन इसका एक गुणनखंड है, तो एक्स माइनस वन फैक्टर है उसका, तो उसको रख दो बराबर जीरो के, तो एक्स बराबर कितना आ गया, वन। इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू वन रख दो, तो वन रखोगे यहाँ पे देखना, तो वन रखोगे तो फोर बचेगा प्लस, यहाँ पे थ्री बचेगा माइनस, फोर बचेगा प्लस, के बचेगा, और इसको रख दो आप जीरो के बराबर। तो ये कितना हो गया, चार और तीन सात, सात माइनस चार मतलब तीन बचा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का तीन इधर जाएगा तो माइनस का थ्री। तो ये हो गया आपका आंसर, के की वैल्यू पूछी थी तो के का मान आ गया माइनस का तीन। अब देखिए वर्ग समीकरण के मूल समझते हैं। देखो किसी भी एक वर्ग समीकरण डिपेंड करता है वो कितने घात की है, दो घात की होती है द्विघात समीकरण कहते हैं, तीन घात की होती है तो त्रिघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छः, ये एक वर्ग समीकरण है क्योंकि उसकी घात दो है, एक एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स, ये त्रिघात समीकरण है, ठीक है। तो ये त्रिघात के लिए एक फार्मूले है, ये द्विघात समीकरण के मूल के योग है। देखो किसी भी वर्ग समीकरण के अगर टुकड़े करोगे आप तो एक्स की दो वैल्यू निकलेगी, x की दो वैल्यू निकलेगी, तो हमेशा पहली वैल्यू को अल्फा कहा जाता है, दूसरी वैल्यू को बीटा कहा जाता है। मतलब इसके क्या होगा, ये दोनों गुणनखंड हो गए, गुणनखंड कह सकते हैं, या फिर इसका कह सकते हैं इसके दो मूल हो गए, ठीक है, मूल। तो किसी भी वर्ग समीकरण के दो मूल होते हैं, और अगर त्रिघातीय समीकरण है तो उसके तीन मूल होते हैं, जितनी घात होगी उतने मूल होंगे, सिंपल आंसर है, ध्यान रखना हमेशा, जितनी घात होगी उतने मूल होंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो एक्स की घात दो है सबसे बड़ी, तो इसके दो मूल निकल के आएंगे, और हमेशा दो मूल होंगे अल्फा और बीटा,
किसी भी वर्ग समीकरण के दो मूल होंगे, ध्यान से सुन लेना, अल्फा और बीटा, और अगर उन दोनों मूलों को जोड़ देंगे एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा तो उसकी वैल्यू हमेशा होती है माइनस बी बटा ए। मतलब अगर कहना चाहूँ मैं तो देखो एक इक्वेशंस बनती है उससे इसको सेटिस्फाइड किया जाता है। वर्ग समीकरण की एक इक्वेशंस मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। अगर ये इक्वेशंस बराबर हो जीरो के तो अल्फा और बीटा के, अल्फा और बीटा दो मूल होते हैं, ये ध्यान रखना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर हो जीरो के तो अल्फा और बीटा के दो मूल होंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ने का बोले कि दोनों मूलों का योग बताइए तो वो होता है माइनस बी बटा ए, और अगर दोनों मूलों का गुणनफल पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इक्वेशंस में कैसे सेट करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। अब देखो यहाँ त्रिघाती समीकरण है तो इसके तीन मूल निकलेंगे। अगर मूलों का योगफल पूछे तो ये आपके सामने फार्मूला दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, और इसी के साथ अगर मूलों का गुणनफल पूछे तो ये आपके सामने फार्मूला है, त्रिघात समीकरण के लिए बता रहा हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बताए। ये इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से बनेगी, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इस इक्वेशंस, ये इक्वेशंस अगर जीरो है, जीरो के बराबर है तो यहाँ पे समीकरण के तीन मूल होंगे क्योंकि इसकी घात तीन है, और तीन मूल होंगे, पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। ओके, तो ये इनके मूलों का योग होगा तीनों को जोड़ने पे माइनस बी बटाए, और तीनों का गुणनफल होगा ये। और कभी ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन के साथ भी पूछ लेगा तो ये हमारे सामने सी बटा ए होगा। ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है, एमपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ठीक है। चलिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग इतना है और गुणनफल क्रमशः इतना है। देखो तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग का मतलब होता है कि किसी भी द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण, द्विघात है ना, दो घात के समीकरण, वर्ग समीकरण हो गई, तो वर्ग समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, देखो समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं वरना सीधा आप देखते ही आंसर लगा सकते हो, कैसे लगाएंगे वो भी बताऊंगा बाद में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर जीरो हो तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा माइनस का बी बटा ए। वर्ग समीकरण के लिए देखो यहाँ पे वर्ग समीकरण का योग पूछा है तो माइनस का बी बटा ए, ठीक है, यहाँ पे, और तो ये कितना दिया हुआ है बराबर माइनस का थ्री, और गुणनफल दिया हुआ है दो, तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है सी बटा ए होता है, और सी बटा ए होता है और ये दिया हुआ है दो। इसका मतलब देखो माइनस बी की जगह माइनस थ्री दिया हुआ है तो बटे में कुछ नहीं है तो वन मान लो, यहाँ सी इक्वल टू टू है तो ए के बटे में कुछ, मतलब यहाँ पे इसके बटे में ए है और इसके बटे में कुछ नहीं तो वन मान लो। तो यहाँ पे एक वैल्यूज निकल आई ए बी और सी की, ए की वैल्यू यहाँ पे वन है तो यहाँ पे भी वन है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस थ्री है, सी की वैल्यू यहाँ पे टू है, तो ये टू आ गई, ये हमारे सामने वैल्यू आ गई है। हमें क्या बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ये एक वेरिएबल, ये हमें वैल्यूज निकालना है। तो देखो ए एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह रख दो वन, तो ए की जगह रख दिया वन, तो वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी मतलब कितना है माइनस का थ्री, तो माइनस का थ्री एक्स प्लस सी कितना है दो इक्वल टू कितना दिया है जीरो, तो वन आगे लगाओ या मत लगाओ ये द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, सिंपल है ना। ये चीजें एग्जाम में नहीं आती लेकिन आपका कंसेप्ट कवर अच्छे से करेगी। अब ये होता है कि बहुपद के अंदर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले ऊपर दिया हुआ है एलसीएम, नीचे दिया हुआ है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम हमें निकालना है इन नंबर का, तो एलसीएम क्या होता है कि एलसीएम मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो उनको काट दे, एचसीएफ मतलब बड़ा से बड़ा नंबर, लेकिन वेरिएबल के केस में बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे ये बोल रहा है कि ये तथा ये और का HCF बताओ, हमें HCF बताना है इसका, ठीक है। तो चलो HCF, देखो ये इन चीजों की जरूरत नहीं है पर मैंने कंसेप्ट के साथ इसको लिख दिया था कि आप अगर इसको पढ़ना चाहे PX एक अन्य बहुपद भाजक जो भी है आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो अगर मुझे इनका महत्तम समापवर्तक, महत्तम मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे, इसका मतलब ये है कि x प्लस तीन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस दो का क्यूब वो x माइनस वन और x प्लस थ्री और x माइनस दो का स्क्वायर, इन दोनों को काट दे, वो इसको भी काट दे पूरा, इसको भी काट दे, तो सबसे बड़ा घात देखना है हमको, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। तो
एक्स माइनस दो का यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो एक्स माइनस दो का स्क्वायर ले लो कॉमन, क्योंकि वो दोनों दोनों में कट जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री का क्यूब स्क्वायर दिया है और यहाँ एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है, एक बार एक्स प्लस थ्री ले लो बस, यही बड़ी से बड़ी संख्या है, यही इसका एचसीएफ है, और ये इन दोनों को काट देगा। आप इससे भाग दो इसमें, ये भी कट जाएगा, इससे भाग दो इसमें तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे दिया हुआ है सवाल में एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका और इसका। तो एलसीएम मतलब छोटे छोटे संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो देखो एलसीएम का मतलब बिल्कुल नंबर में अलग होता है, यहाँ वेरिएबल्स में अलग होता है। यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री का क्यूब है, तो बड़ा नंबर लेना है हमें, एक्स माइनस थ्री का क्यूब, और यहाँ एक्स प्लस फोर का स्क्वायर है और यहाँ एक्स प्लस फोर है, तो बड़ा नंबर लेना है एक्स प्लस फोर का स्क्वायर। एलसीएम तो बड़ा नंबर ही लेंगे ना, जैसे कि देखो 12 भी दिया है, 15 भी दिया है और 20 भी दिया है, तो एलसीएम तो इन नंबर से बड़ा ही होगा ना, 60। अब 60 ही क्यों लिया, क्योंकि 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 20 से भी कटता है, ये 60 15 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 20 से भी कटता है। तो देखो एक्स माइनस क्यूब, एक्स माइनस तीन की घात तीन, इससे भी कटता है और ये इससे भी कटता है, ये इससे भी कटता है और ये इससे भी कटता है। बड़ा नंबर लेना है एलसीएम के केस में, चाहे वो वर्ड मीनिंग अलग हो, ठीक है। एलसीएम के केस में अगर वेरिएबल मतलब एक्स वाले सवाल दिए हो तो एलसीएम के केस में बड़े नंबर लेना है, एचसीएफ के केस में छोटे नंबर लेना है, यही चीज थी। वरना एलसीएम एचसीएफ तो आपको आता है, लेकिन यहाँ ये चीजें थोड़ा सा समझने वाली थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि एफ एक्स 3x प्लस 5 से विभाज्य है मतलब कटता है तो शेषफल क्या बचेगा। अगर एफ एक्स से ये कट जाता है तो इसका मतलब ये है कि कटने का मतलब ये है कि शेषफल, देखो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर एफ एक्स से कोई नंबर कट रहा है तो शेषफल क्या होगा, तो हमेशा जो जिससे कट रहा है ना उसको बराबर रख दो इसके जीरो के। तो 3x प्लस 5 से अगर एक पूरा कट रहा है एफ एक्स से, ठीक है, तो इसको हमेशा जीरो रख दो, जीरो के बराबर रख दो। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 5/3। तो ये आ गया आपका फंक्शन ऑफ x, कितना आया, -5/3। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर। एक्स माइनस दो इसका एक गुणनखंड है तो क्यू का मान बताइए। देखिए ये जो है वो इसका एक गुणनखंड है तो क्यू का मान बताइए। हमने पिछला क्वेश्चन कर लिया है, एक्स माइनस दो बराबर रख दो जीरो के, तो एक्स बराबर कितना आ गया, दो। अब यहाँ दो दो एक्स की जगह दो रखते जाओ, तो देखो दो का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ दो रख दोगे तो दो तिया 6 6 क्यू माइनस 2 क्यू और ये हो गया बराबर जीरो के। तो देखो 4 आप चाहें तो इधर भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और 6 में से 2 गया तो बचा 4 क्यू, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया तो ये बचा 1, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ये पूछ रहा है क्यू का मान बताइए, तो माइनस का 1 हो गया हमारा आंसर। चलिए लेमड़ा के किस मान के लिए, इसको पढ़ते हैं लेमड़ा, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग अदर सब्जेक्ट के होते हैं उनको पता नहीं होता एक्चुअली। लेमड़ा के किस मान के लिए व्यंजक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये सब एक्स माइनस दो से विभाजित होगा, किस मान के लिए लेमड़ा के। तो देखो लेमड़ा कहीं ना कहीं रिमाइंडर का काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लस लेमड़ा मतलब ये बच रहा है एक्स माइनस दो से कटने के बाद, तो ये शेषफल है। तो हमें लेमड़ा का मान बताना है, इसका मतलब हमें शेषफल बताना है, ठीक है। पिछले सवाल में भी यही था, क्यू का मान पूछा था, तो क्यू जो है वो एक अचर संख्या थी इसके अंदर जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है, और एक्स की वैल्यू दी हुई थी, तो हमें उसका मतलब हमने शेषफल निकाला था। इस केस में भी शेषफल निकालना है, यहाँ पे वहाँ पे पी था क्यू था, यहाँ पे लेमड़ा निकालना है। तो लेमड़ा निकालेंगे कैसे, एक्स माइनस टू बराबर जीरो रख दो तो एक्स बराबर कितना आ गया, दो, ठीक है। अब इस इक्वेशन में दो की वैल्यू रख दो, दो का क्यूब हो गया 8 प्लस दो का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 गुना कितना हो गया 10 प्लस लेमड़ा बराबर जीरो, ठीक है। तो 8 और 4 12, 12 में से गया 10 तो बचा कितना, दो, तो लेमड़ा बराबर ये दो बचा इधर तो दो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो लेमड़ा की वैल्यू हो गई माइनस का 2, ठीक है। एक्स माइनस ए इसका एक गुणनखंड है तो बी का मान बताइए। तो देखो एक्स माइनस ए बराबर जीरो रख दो, अब तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए, इसको आप रख दो इक्वेशन में, एक्स की जगह ए रख दोगे तो ए का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स, ए का स्क्वायर इंटू ए प्लस प्लस 2 ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी और बराबर रख दो जीरो, ठीक है। तो ए का क्यूब माइनस 3 ए का क्यूब प्लस ये हो गया 2 ए का क्यूब प्लस बी बराबर जीरो, तो दो दो ए
का क्यूब और एक ए का क्यूब, तीन ए का क्यूब में से तीन ए का क्यूब गया तो घट गया, मतलब बी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। चलिए, एक्स की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस के, एक्स प्लस 1 से विभाज्य है तो के का मान बताना है। देखो अगर ये पूरा इससे कटता है इसका मतलब ये गुणनखंड हो गया इसका, तो x प्लस 1 बराबर 0 रख दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1, x की जगह माइनस 1 रख दो तो माइनस 1 की पावर 100 प्लस 2 इंटू माइनस 1 की पावर 99 प्लस के और बराबर हो गया 0। देखो किसी भी सम संख्या की घात अगर सम संख्या है, सॉरी कोई भी नंबर हो जिसकी घात अगर सम संख्या है इसका मतलब वो नंबर सम हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा सिर्फ, प्लस 2 इंटू किसी भी संख्या की घात अगर एक विषम संख्या है तो वो संख्या चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। ठीक है, प्लस के बराबर 0। तो देखो 1 और 2 गुना 1 तो 2 एकम 2, प्लस माइनस माइनस हो गया ना, प्लस के बराबर 0। तो देखो के बराबर 1 में से 2 नहीं जाता ना, तो 1 में से 2 गया तो बचा माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस के बराबर 0, तो माइनस का 1 उठा करके इधर ले आओ तो प्लस का 1 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, चलिए, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 के शेषफल, इसका शेषफल माइनस 2x देता है जब इसे x स्क्वायर प्लस 2 से विभाजित किया जाता है, तो k का मान बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने वाला है। x स्क्वायर प्लस 2 से विभाजित करेंगे तो ये इतना शेषफल देगा, तो आप अब क्या करना कि इसको जीरो के, इसके जीरो के बराबर मत रखना, क्योंकि जब आप इसको जीरो के बराबर रख दोगे तो माइनस का रूट में 2 आ जाएगा ये। ठीक है, कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 रखा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया माइनस का 2, और यहाँ से वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल आ जाएगा। अब माइनस 2 की वैल्यू आपको ना तो पता है ना पता कर पाओगे, बड़ा मुश्किल होगा उससे। तो दूसरा तरीका ये है कि इसने बोल दिया कि शेषफल माइनस 2x आता है जब इस नंबर को इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग दिया जाता है और के का मान पूछा है, तो एक काम करो आप भाग मेथड लगा दो। इसका मतलब ये है, समझा देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 के को भाग ही दे दो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। ठीक है, तो देखो x की घात 2 है यहाँ पे, इसका कितने में गुणा करें कि x की घात 3 आ जाए, x की घात 1 में, क्योंकि गुणे में आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो गुणे में आधार समान है तो x x x हो जाएगा, लेकिन घात जुड़ जाएगी, ये 2 और एक ये 1, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ देखना, इस 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x, ये आ गया 2x, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया। ठीक है, अब देखो ये कितना बचा, प्लस का 5x स्क्वायर और ये बचा माइनस का 2x प्लस 10 का 10k। ठीक है, अब x स्क्वायर कटना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 5 से, तो प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x स्क्वायर में, तो 5x स्क्वायर प्लस 5 गुना 10। ठीक है, तो ये नंबर माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये इससे कट गया, कितना बचा, माइनस का 2x माइनस का 10 प्लस का 10k। अब आई थिंक भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 दी हुई है, किसमें कितना गुणा करे कि x आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या आया हमारा, शेषफल आया ये। ठीक है, और बुक में दिया हुआ है कि शेषफल ये है, तो दोनों शेषफल को बराबर रख दो, माइनस का 2x माइनस का 10 प्लस 10k बराबर दिया हुआ है माइनस का 2x। देखो माइनस के 2x से माइनस का 2x कट गया, है ना, क्योंकि समान संख्या हो और बराबर हो तो कट सकती है। अब यह देखो 10k इक्वल टू ये माइनस का 10 इधर आएगा तो प्लस का 10, और 10 से 10 भी कट गया तो बचा एक बार, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। k की वैल्यू पूछी थी तो आंसर हो गया हमारा 1। देखो समझने वाली बात है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है क्वेश्चंस में, और अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हो तो पक्का गारंटी है कि आपका इसका जो बहुपद पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है वो कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बहुपद है, हमें बहुपद बताना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पे देखिए ये पावर कितनी है। देखो किसी भी नंबर में अगर रूट चढ़ा हुआ है इसका मतलब उसकी घात कितनी होती है, आधी। करणी का मतलब ये होता है उसकी घात आधी, और हम जानते हैं कि ये पूर्णांक नहीं है, ये अपूर्णांक संख्या है, पूरा अंक नहीं है, अपूर्ण है, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे फिर से रूट आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पे फिर से पावर आ गई आधी, 7 की आधी 3.5, पूरी पावर होना चाहिए, या तो 7 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुपद वही होता है जो कि धनात्मक हो, जिसकी घात धनात्मक हो और एक पूर्णांक संख्या हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कोई रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स के शून्यक, शून्यक मतलब मैंने आपको अपनी नॉर्मल भाषा में समझाया था कि फैक्टर, इसको इंग्लिश में जीरोज कहेंगे, ठीक है, लेकिन उसको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं, आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में समझिएगा कि शून्यक मतलब इसका कह सकते हैं दो फैक्टर है इसके, कि इस इक्वेशन को जब सोल्व किया होगा तो दो वैल्यू आई होगी अल्फा और बीटा, और उन दोनों का योग पूछ लिया इसने, तो हमें तो पहले वैल्यू ही नहीं पता है ना। या तो फिर आप एक काम करो, वर्ग समीकरण हल करो, उसके बाद दो वैल्यूज निकालो और उन दोनों को जोड़ो, या फिर दूसरा यह है कि अगर किसी वर्ग समीकरण के मूल अगर अल्फा और बीटा है तो उनके मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए पूछा है, माइनस का देखना, माइनस का बी ये होता है, यहाँ पे कोई भी गुणांक नहीं है तो ये ए होता है, ये बी होता है, और ये नंबर क्या होता है, सी, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये बोल रहा है इसका एक शून्य है तो जीरो है। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन से इसकी तुलना करेंगे हम तो ए बराबर एक निकल के आएगा, बी बराबर तीन निकल के आएगा और सी बराबर सात निकल के आएगा। तो यहाँ पे बी पूछा है तो बी मतलब माइनस का थ्री है ना, मतलब माइनस तो यही दिया हुआ है, ठीक है, और बी की जगह तीन है तो तीन लिख दिया, बटे में ए, ए कितना दिया है यहाँ पे, कुछ नहीं, वन, तो लगाओ वन लगाओ या मत लगाओ, मतलब तीन के बटे में एक हो या ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस तीन मूलों का योगफल आ गया। ऐसे ही देखो एक इक्वेशन दी हुई है, इसके शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो इन दोनों का गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल क्या होता है मूलों का, देखो वर्ग समीकरण दिए है ना ये, तो वर्ग समीकरण के मूलों का गुणनफल होता है सी बटा ए, सी कितना दिया है यहाँ पे, माइनस का दस, बटे ए कितना दिया है दो, तो दो से दस काट दो पांच बार, तो माइनस का पांच आ गया इसके मूलों का गुणनफल, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलिए दो एक्स क्यूब प्लस ये तथा ये को एक्स माइनस दो से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ए का मान बताना है। देखिए समझने वाली बात है, इसको और इसको x माइनस दो से काटा जाता है तो समान शेषफल बचता है, जो भी शेषफल बचेगा वो समान बचेगा, इसका मतलब बराबर बचेगा, तो एक बार इसमें x माइनस दो बराबर जीरो रख दो, एक बार इसमें x माइनस दो बराबर जीरो रख दो, जो भी शेषफल आएगा उसको बराबर रख देना, क्योंकि समान शेषफल बचना चाहिए, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ, x माइनस दो से दोनों को काटना है, इसको भी और इसको भी, तो x माइनस दो बराबर रख दिया जीरो, तो x बराबर कितना निकल के आ गया दो, इसको जीरो के बराबर रखा तो माइनस दो उधर जाएगा तो प्लस का दो, तो x माइनस दो बराबर रखा जीरो के तो x बराबर कितना आ गया दो, x की वैल्यू आ गई। अब मैं इस इक्वेशन में रखना हूँ यहाँ, तो देखो दो गुना एक्स का क्यूब, दो का क्यूब कितना होता है आठ, प्लस ए एक्स का स्क्वायर मतलब दो का स्क्वायर चार, ए गुना चार लिख दूं, प्लस तीन गुना एक्स, तो तीन गुना कितना हो गया छः माइनस पाँच, ये इस इक्वेशन को सोल्व किया तो आया। अब बराबर में ये जो शेषफल आया, ठीक है, अब बराबर में इस इक्वेशन को रख रहा हूँ, तो इसमें भी एक्स बराबर दो रखूंगा, तो एक्स का क्यूब हो गया आठ, प्लस दो का स्क्वायर हो गया चार, माइनस दो एक्स है तो दो गुना दो चार हो गया, प्लस ए, सिंपल है ना ये, ठीक है, आप वैल्यूज रख दीजिए अब और इसको सिंपल सोल्व कर लो। देखो चार से चार कट गया, प्लस का चार में से माइनस का चार, ठीक है, तो ये कितना बचा एट प्लस ए इधर, तो आप इनमें से घटाइए, देखिए छः में से गया पाँच, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे एक, आठ दूना कितना हो गया ये सोलह, तो देखिए ये सोलह हो गया, तो यहाँ पे रख दो सोलह और इस आठ को उठा के इधर ले आओ, तो ये हो गया सोलह माइनस आठ है ना, तो ये सोलह में से आठ गया तो बचा आठ, तो आठ प्लस ये एक कितना हो गया ये नौ, तो नौ प्लस ये हो गया फोर ए इक्वल टू ए, इस ए को इधर ले जाओ, इस नौ को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो गया फोर ए माइनस ए इक्वल टू, ये प्लस का नाइन उधर जाएगा तो माइनस का नाइन, तो ये हो गया थ्री ए इक्वल टू माइनस का नाइन, तो तीन से नौ कटेगा तीन बार, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का थ्री, तो ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। देखो सिंपल है ना बिल्कुल, ठीक है, तो फिर चलिए आज हमारा जो है बहुपद भी लगभग कंप्लीट हो गया है, इसमें इतने ही लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस इसमें नहीं बन पाएंगे इस एग्जाम में, ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा बहुपद से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट होता है, जो कि नाइन्थ टेंथ की बुक में दिया था, मैंने सारा कवर कर लिया है लगभग, ठीक है। इसके साथ साथ अब ये कई तरह से डिवाइड करने का बोलता है, जैसे कि देखो इसके अंदर कंसेप्ट बहुत है, फिर ये बोलेगा एक्स क्यूब प्लस दो एक्स से
कोई एक नंबर दे देगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को भाग दीजिए तो भागफल बताइए। तो भागफल तो आपको भाग देने के बाद ही निकलेगा ना, उसका अंदर उसके अंदर तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो भाग देना तो आप सभी को आता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट था एक्चुअली ये मैंने आपको कवर करवा दिया है, ठीक है। तो आप एच डी यादव मैथ्स बुक खरीद लीजिए मार्केट से, सबसे बेस्ट बुक है मैथ्स की। अगर आपको बिना कोचिंग जाए आपको घर बैठे तैयारी करना है तो इस बुक का 2018 का एडिशन खरीद लीजिए। और उस वीडियो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने करवाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी चैप्टर आपको देखना है वो सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मैंने करवाए हैं। पूरा अरिथमेटिक करवाया है मैंने, पूरा एडवांस मैथ्स करवाया है मैंने, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, क्षेत्रमिति, ठीक है, गणगणा, गोला, बेलन, शंकु, जो भी है, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स लगभग मैंने करवा दिए हैं, एलजेब्रा भी मैंने करवा दिया है। आप कोई सी भी वीडियोस देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा एच डी यादव मैथ्स का। इसके साथ साथ आप आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, उस वीडियो उस पूरी बुक को भी मैंने लगभग सोलो कराया है, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार जरूर देख लें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं हमको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।